उसी दिल्ली चलते भोपाल, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट में हुई बैठकों की जानकारी दे रहे हैं। बहुत अच्छे शहर बनाए जाएं, उन 100 स्मार्ट सिटी में से एक बार फिर से एक नई योजना भारत सरकार ने प्रारंभ की है, 2.0 स्मार्ट सिटी योजना नाम है उसका। उसके अंतर्गत इन 100 में से ही 18 सिटी का चयन किया जाएगा और उनको लगभग 125-135 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। वो विशेषकर काम करेंगे हरियाली के लिए, पर्यावरण के लिए, और इसलिए 100 में से 18 सिटी का चयन होगा। लगभग हमारी 2 या 3 सिटी आना चाहिए उसमें। उसमें लगभग जो भी सिटी का चयन होगा उसको लगभग 135 करोड़ रुपये मिलेगा, जिसमें 50% राज्य शासन का समावेश भी होगा। आज मंत्रिमंडल की समिति ने उस योजना को भी स्वीकृति प्रदान की है। अभी 12-1 बजे दिल्ली में माननीय मंत्री जी कौन सी सिटी आएगी इसकी घोषणा करने वाले हैं। अभी वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक न्यायिक प्राधिकरण ने योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत न्यायालय में काम करने वाले न्यायाधीशों को समय समय पर प्रशिक्षण देना, इसके लिए जबलपुर में एक संस्थान, एक बिल्डिंग बनेगी, जो लगभग उसका 450-500 करोड़ का बजट है। सिर्फ वो न्यायाधीशों को प्रशिक्षण देने में ही उपयोगी होगी, इसलिए न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने का ये काम है, सरकार ने उसको स्वीकृति प्रदान की है। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और हुआ है, ग्रामीण पंचायत विभाग में जो सचिवों के अनुकंपा नियुक्ति का विषय काफ़ी पेंडिंग था, और जो सचिव काम करते करते यदि उनकी किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती तो उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए, वह अभी निर्णय नहीं हो पा रहा था। पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी सचिव काम करते हुए अपने सेवा काल में जिनके मृत्यु हुई उनको अनुकंपा दी जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, वह एक निर्णय लिया गया। अभी जिले के बाहर मैंने आपको बताया कि अगर आप कहें तो मैं एक एक योजना का नाम बता सकता हूँ। सिंचाई परियोजना की कन्याखेड़ी मध्यम सिंचाई योजना, ये भी इसमें भी आज स्वीकृति दी है, बजट में प्रावधान किया गया है। बुरहानपुर जिले की उतावली मध्यम सिंचाई योजना, इस पर भी आज बजट में प्रावधान किया गया, बजट बढ़ाया गया है। बंडा बृहद योजना जो कि सागर जिले की है, वहाँ पर भी लगभग, हालांकि राशि बहुत बड़ी नहीं है, 50 करोड़ कहीं 100 करोड़, पर हर योजना कंप्लीट हो समय सीमा के लिए अंदर, इसके लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है। भावसा सिंचाई योजना ये बुरहानपुर की है, झिन्ना ये सतना जिले की है, और ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश ने सिंचाई में सारे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, कि लगभग हमारी सिंचाई के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी ठीक हुई है, और इसीलिए हमने सिंचाई को अभी भी फोकस किया है। जितनी भी सिंचाई योजनाएं चल रही वो समय सीमा में पूर्ण हो, किसानों को उसका लाभ मिले और हमारे गांव की स्थिति मजबूत हो। ये टेम मध्यम सिंचाई योजना विदिशा की है, पवई मध्यम सिंचाई योजना पन्ना जिले की है, इस प्रकार लगभग 10 ऐसी सिंचाई योजनाएं थी जिसमें बजट की आवश्यकता थी। आज ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में आज PWD विभाग ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पारित कराए। एक सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए चाहिए, दूसरा एक ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से लगभग 5000 करोड़ का लोन लेकर प्रदेश की विभिन्न जिलों की वे सड़कें जिनकी बहुत दुर्दशा है, उसमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी है और स्टेट हाईवे भी है, उन सबको बनाने के लिए टू लेन फोर लेन इस प्रकार की सड़कें बनेगी। ये लगभग 3,500 किलोमीटर सड़कें बनेगी, इसमें लगभग 5,000 के आसपास खर्चा आएगा, ये लोन लेकर सारी सड़कें बनाई जाएगी। शहडोल जिले की व्यवहारी में रिंग रोड बनाना ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, रीवा जाने के लिए भी और सीधी जाने के लिए भी।